I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never. तो हम पहुंच गए हैं दुबई की एक प्लेस जिसका नाम है अल फुरजान, और यहाँ की एक सोसाइटी यानी कि एक बिल्डिंग हम देखेंगे आज फरिश्ता अजीजी की, जो कि अजीजी रियल एस्टेट वालों की है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ और आज ये है दूसरी वीडियो। तो इसमें देखिए आसपास आपको दिख रहा है कि सारे ही आउटलेट्स दिए हुए हैं जो भी आपके डेली नीड्स से रिलेटेड होते हैं। और ये है यहाँ का व्यू, तो बिल्कुल रोड से कनेक्टिविटी है इसकी। आप जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे आपको तुरंत टैक्सी और ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस स्टॉप लगभग 5 मिनट्स की वॉकिंग पे है और 10 मिनट्स की वॉकिंग पे मिल जाएगा आपको मेट्रो स्टेशन। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। तो इसका रिसेप्शन भी बहुत ही प्यारा सा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और थोड़ा सा डेकोरेटिव भी है और काफ़ी ह्यूज स्पेस है। प्लस यहाँ पे ना आपको सीटिंग के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। तो आई होप कि आप मेरा 1 BHK होम टूर का वीडियो देख चुके होंगे जो कि मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया है। अगर नहीं देखा है तो गाइस प्लीज चलिए उसको देखिए। और अब मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ एक स्टूडियो अपार्टमेंट का टूर। तो मैं जब गई थी ना तो मैंने एक साथ एक्सप्लोर किए, तो उस बिल्डिंग में जितने भी रूम्स अवेलेबल थे देखने के लिए वो मैंने दोनों देख लिए थे। तो उसमें से एक मैंने 1 BHK देखा जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और ये स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसको मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं, एंट्री सेम है आपकी, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करते के साथ ही यहाँ पे किचन दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसका जो रूम साइज है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंगल स्लैब मिल रही है किचन के लिए, लेकिन ये अच्छा है कि इन्होंने सारे इक्विपमेंट दिए हैं। दिस इज ऑल्सो फुल फर्निश्ड फ्लैट। तो यहाँ पे आपको ओवन दिया हुआ है और प्लस माइक्रोवेव, प्लस आपको दे है यहाँ पर वॉशिंग मशीन, एंड ये स्टोव है। लेकिन देखिए ये स्टूडियो के हिसाब से ना उन्होंने सिर्फ एक बर्नर के लायक वाला दिया है, 2 बर्नर सेट नहीं है। 1 2 बर्नर है मतलब यहाँ पे, लेकिन 4 बर्नर या ऐसा वाला नहीं, छोटा वाला आपके पास स्टोव है। प्लस आपको ग्रिलर प्लस में भी मिल रहा है और छोटू सा एक सिंक एरिया है। और यहाँ पे जो है आपकी हैंग करके रखी हुई जितनी भी आपके जो आपके स्पैचुलास यूज होते हैं वो, प्लस आपको अच्छा सा स्टोरेज मिल जाएगा ये देखिए। और यहाँ पे ना इन्होंने कटलरी भी दे रखी है, जैसे फुल फर्निश्ड होटल अपार्टमेंट्स होते हैं ना, काइंड ऑफ इसका फील वैसा है। तो ये है सिंक एरिया, यहाँ पे अपना डस्टबिन रख सकते हैं। और इन्होंने देखिए यहाँ पर भी फॉइल लगा रखी है सो दैट जो भी पानी गिरे ना तो उससे आपका जो वुड है वो डैमेज ना हो। और ये तो नीचे का स्टोरेज बस इतना ही है, ऊपर देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऊपर के स्टोरेज में आपको ये अच्छी सी स्पेस मिल जाती है, प्लस यहाँ पे इन्होंने सारा जो भी आपका कप्स हैं ग्लासेस हैं ये सब किए हुए हैं, तो वो आपको नीड नहीं है बाहर से खरीदने की, क्योंकि जब आप यहाँ शिफ्ट होते हैं तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच यू हैव टू स्टार्ट, तो वो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। और प्लस ये देखिए यहाँ पे आपका गैस का कनेक्शन है, और प्लस इन्होंने यहाँ पे आपको डिशेस भी दे रखी हुई है। और एक गाइस ये इन्होंने इलेक्ट्रिक केटल दी है, जनरली ये बाकी जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होती है अपार्टमेंट्स में जनरली, लेकिन इन्होंने दिया हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्रिज, जो कि 2-डोर फ्रिज है। तो फ्रिज हम ओपन करके आपको दिखाएं तो हाँ ये भी क्लीन है एकदम। तो काफी अच्छा है,
और प्लस गाइस सबसे बढ़िया बात ये है ना कि इन्होंने लेआउट इतना अच्छे से डिजाइन किया है। अगर आप खुद से अपना घर जब डिजाइन करने लगते हो ना तो इतने अच्छे से आप लेआउट डिजाइन नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है रूम छोटा है सब कुछ नहीं आ पाएगा। लेकिन देखिए इन्होंने टू टेबल वाली आपको डाइनिंग टेबल भी दे दी है, तो टू चेयर्स है यहाँ पे, प्लस एक छोटी सी टीवी कैबिनेट है जो कि व्हाइट फर्नीचर रखा है। मुझे व्हाइट फर्नीचर बहुत पसंद है, आपने मेरे घर में देखा होगा कि बेडरूम में मैंने वहाँ अपने घर में भी व्हाइट फर्नीचर रखा है। हालांकि मेंटेनेंस टफ होता है लेकिन लगता बहुत एलिगेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी प्यारी सी एक कैबिनेट दी हुई है और यहाँ पे स्टोरेज भी है इसके साथ थोड़ा सा, और प्लस साथ में जो गर्ल्स के लिए फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा होता है फेवरेट होता है वो है मिरर। तो आपको यहाँ पे मिल जाती है छोटी सी वैनिटी टाइप की यानी कि आपका ड्रेसिंग टेबल, तो ये भी बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ पे आपको डोर्स मिल जाते हैं तो आप अपने सामान रख सकते हैं। और गाइस व्हाट टू से, यहाँ पे देखिए आयरन भी दी है प्लस ब्लो ड्रायर भी दिया हुआ है, आपको हेयर ड्रायर भी मिल जा रहा है एंड एक आयरन भी मिलती है, प्लस ये बैठने के लिए भी आपको दिया हुआ है सो दैट यू कैन चिल आउट हियर एंड अपना जो भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। प्लस एक छोटी सी ये दी है जहाँ पे आप ये लिपस्टिक्स और ये सब चीजें रख सकते हैं, बाकी थोड़ी बहुत चीजें तो आप यहाँ पे भी मैनेज कर लेंगे। उसके बाद देखिए एक, क्योंकि ये आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है छोटा है तो यहाँ पे आपको सोफा की स्पेस नहीं है, इसलिए इन्होंने उसका फील देने के लिए एक चेयर दी है जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत कंफर्टेबल भी लग रही है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी है। और इनके देखिए कर्टन्स भी अगर आप देखें तो काफी अच्छे कर्टन हैं, प्लस बोथ कर्टन आपको मिलते हैं, शेयर कर्टन भी हैं आपके पास और हैवी कर्टन भी, ब्लैक आउट कर्टन भी हैं। अब हम बेड देख लेते हैं, तो बेड आपको यहाँ पे क्वीन साइज ही मिल रहा है लेकिन बहुत अच्छा मिला है, बिल्कुल होटल वाली फील दे रहा है क्योंकि होटल्स में जनरली वाइट पूरा जो है वो होटल्स में ही रहता है। और साथ में आपको दो साइड टेबल दी है, साइड टेबल जो है आपकी ऐसी है कि आप उसको टेबल के छोटे से स्टूल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं। अगर उस साइड की बात करूं तो आपको मिल जाता है एक लैम्प छोटा वाला जो कि आपका बेड लैम्प है, नाइट लैम्प है, और उसके साथ आपको एक बेड स्टैंड मिला हुआ है, तो इसमें आप अपना चीजें जो है ना यूटिलिटी जो कि आपको राइट एट द बेड टाइम चाहिए होती है तो वो मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे एक आपको दिया है ये लैम्प जो कि आपके कमरे में वार्म लाइट की भी काम पूरा कर देगा, और लाइट्स देखिए अब यहाँ की बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ पे क्लॉक भी दी हुई है जो कि क्लॉक भी थोड़ा सा एक अलग से डिजाइन की है जो बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मैं बालकनी आपको दिखाऊंगी लास्ट में, तो पहले देख लेते हैं वार्डरोब क्योंकि वार्डरोब तो बहुत मस्त होती है गाइस। तो यहाँ पे आपको थ्री डोर वार्डरोब मिली है और स्टोरेज देखते हैं अंदर कैसा है, तो स्टोरेज भी आपका अच्छा है। और एक और अच्छी बात है, वाओ गाइस यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम क्लीनर दिया हुआ है, प्लस आपको आयरन स्टैंड भी मिल रहा है तो आयरनिंग के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड दो क्विल्ट दी है आई बिलीव, यस एक्स्ट्रा क्विल्ट है, एक्स्ट्रा टाल्स हैं। ये ना बिल्कुल वैसा ही फील है जैसा कि एक होटल अपार्टमेंट होता है जो कि आप फॉर वन मंथ और टू मंथ के लिए आप रेंट आउट करते हैं ना, अगर आप घूमने के पर्पज से आए तो उस पर्पज से भी अगर कोई फैमिली यहाँ आना चाहती है तो वो आ सकती है और ये रेंट आउट कर सकती है फॉर अ मंथ और टू। उसके बाद जो है यहाँ पे भी एक वार्डरोब है जिसमें भी अच्छे सेक्शंस हैं और प्लस नीचे आपको ड्रॉर मिले, तो ये थ्री ड्रॉर्स हैं जो इसमें आप अपनी छोटी छोटी यूटिलिटीज रख सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छी डील है ये और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जो मैंने आपको 1 BHK दिखाया था वो भी बहुत अच्छा था लेकिन उसकी फर्निशिंग से मुझे इसकी फर्निशिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा और उस वीडियो को देख के आइएगा, अगर आपने नहीं देखा है तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि विच वन इज मोर बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इसकी प्राइसिंग की बात अगर मैं करूँ आपसे तो ये अराउंड है 45,080 एंड इंक्लूडेड चिलर, तो यानी कि चिलर में इसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना एंड गाइस विद ऑल द फर्निशिंग यू आर गेटिंग इट, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड डील, दिस इज अ गुड डील। तो अब चलते हैं हम बालकनी की साइड, तो देखते हैं बालकनी कैसी है। गाइस तो यहाँ पे ना ये चीज बेटर है कि यहाँ बालकनी अच्छी है, बहुत
यहाँ पे शोर आएगा। देखिए यहाँ पे एक चेयर टेबल दी है, बच्चों के लिए दिया हुआ है, आई गेस बारहवीं की चेयर टेबल है। प्लस एक क्लॉथ स्टैंड भी दिया हुआ है जो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत देखिए वो बिना का सारा व्यू मिल जाता है। उनको बिना बहुत अच्छे लग रहे हैं कि उनका पूल भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दुबई में जो है जनरली बेड जो होते हैं उनके साथ स्टोरेज नहीं आता है, आपको या तो अलग से बनवाना पड़ता है स्टोरेज वाला, या फिर आपको स्पेशली देखना पड़ता है कि किसमें स्टोरेज है। तो यहाँ पे भी देखिए आप देखेंगे पूरा कवर्ड है, ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं है लेकिन हाँ इन्होंने एक मिनिमम एक छोटा सा स्टोरेज दिया हुआ है। अगर आप इंडिया की तरह सोचें कि हाइड्रोलिक स्टोरेज मिलेगा तो वो तो नहीं है, लेकिन बोथ साइड इन्होंने छोटा छोटा स्टोरेज दिया है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लॉन्ड्री बैग आई है रखे हुए हैं। हाँ तो गाइज मैंने आपको किचन का टूर दिया, उसके बाद किचन के ही जस्ट सामने आपका वॉशरूम है। थोड़ा सा ये अटपटा है मैं मानती हूँ, बिकॉज वॉशरूम के ठीक मतलब किचन के ठीक सामने वॉशरूम आइडली नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट है यहाँ पे ऐसे ही मैनेज किया जाता है तो कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं कि वॉशरूम कैसा है। तो ये रहा वॉशरूम, एंट्री करते हैं। और वॉशरूम तो बहुत अच्छा है, देखिए बेसिन कितना अच्छा है इसका। प्लस इन्होंने जितने भी चीज़ें रखी हैं ना यहाँ पे यूटिलिटी की आप देख सकते हैं, तो कुछ भी ना बहुत ही ऐसा यूजुअल सा लोकल टाइप का नहीं रखा है, सब कुछ बहुत अच्छा रखा है। तो आपको टूथब्रश रखने के लिए बहुत अच्छी मिल जाती है, हैंड वॉश के लिए भी बहुत अच्छा इक्विपमेंट मिल जा रहा है। प्लस ये शावर एरिया है जो कि बहुत ही क्लीन है और बहुत अच्छा है। प्लस यहाँ पे आप चाहें तो कर्टेन डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको टाल हैंग करने के लिए एक हैंगर मिल जाता है तो यहाँ पर टाल हैंग कर सकते हैं। प्लस अगर इधर साइड जाएंगे तो आपका डब्ल्यूसी का एरिया जो है वो इधर कर दिया है, तो ये आपका डब्ल्यूसी का है, यहाँ पे भी आपको अपना कुछ हैंग करना ना टाल वाल तो आप हैंग कर सकते हैं, तो काफी क्लीन है, नीट है। तो ये हो गया रूम का टूर, अब हम चलते हैं जिम की ओर जो है आपका ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन के साथ में ही है। तो यहाँ पे आपको स्टीम और सोना बाथ के लिए दो रूम्स मिल जाते हैं, यानी कि यू कैन इन्जॉय इफ़ यू वांट टू। और उसके बाद हम जैसे ही अंदर एंटर करेंगे ना तो एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है, और मिरर की तो बात ही अलग होती है क्योंकि जब तक आपको जिम में या फिर योगा जहाँ सेंटर जा रहे हैं वहाँ मिरर ना हो ना तो मज़े नहीं आते, क्योंकि जब आप अपने आप को खुद एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और स्वेट आपका निकल रहा होता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारी हैवी ट्रेडमिल्स भी हैं, प्लस साइकिलिंग के लिए भी आपके पास ऑप्शन है, और यहाँ पे दिया हुआ योगा मैट और क्रंचेस करने के लिए देखिए ये टेबल लगी हुई है और बहुत सारे वेट्स हैं। गाइज मैं तो ना 2 kg का ही वेट उठा पाती हूँ, उससे ज़्यादा वेट नहीं उठा पाती। और प्लस यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी आपको देखिए इतना अच्छा इक्विपमेंट मिला हुआ है, तो आपके बहुत ही बेटर है बिकॉज आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपकी बिल्डिंग में ही जिम होगा, तो यू कैन मेक योर हेल्थ टू। और उसके बाद हम चलते हैं अब कहाँ, स्विमिंग पूल एरिया में। तो बहुत ही प्यारा यहाँ का स्विमिंग पूल है, और चलिए अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे गार्ड के सीटिंग रूम है, प्लस यहाँ पे दो वॉशरूम्स दिए हुए हैं मेल एंड फीमेल के लिए। तो उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा सा एक पाथ मिल जाता है, कॉरिडोर कह सकते हैं इसको, और वो बिल्कुल ही ग्रीन है, मतलब तो उसके साइड साइड में ग्रीनरी दी हुई है, तो एक काफ़ी अच्छा सा एम्बियंस बनाया हुआ है। और अभी बहुत धूप थी इसलिए सारी मेरी आँखों में लग रही थी तो मैं जो है ना बहुत अच्छे से देख नहीं पा रही थी। और ये देखिए यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा है एक कैफ़े वाली फील देने के लिए। और अब हम चलते हैं स्विमिंग पूल देखने के लिए। तो स्विमिंग पूल ना यहाँ पे दो हैं, एक बड़ा सा है जो कि अडल्ट्स के लिए है और एक साइड में छोटा सा है, बहुत छोटा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ कम हाइट का है थोड़ा छोटा, तो वो है फॉर किड्स। और इसका पानी भी आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन है, एवरीडे बेसिस पे इसकी प्रॉपर क्लीनिंग होती है, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। और यहाँ पे आपको दो शार के भी ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप मतलब मेल्स जनरली अगर यहाँ पे शार करना लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और ये देखिए बिल्डिंग कितनी प्यारी लग रही है बाहर से। तो और जो भी जिनकी बालकनी होगी ना, जहाँ जो भी इस साइड की बालकनी पे रहते होंगे उनके लिए तो मज़े आते होंगे, वो उनका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। और यहाँ पर आप लेके आ सकते हैं अपने जूस कॉफ़ी चाय अपने घर से और इन्जॉय कर सकते हैं।
और अब मैंने कैप्चर किया है यहाँ का नाइट व्यू, क्योंकि नाइट की दुबई की नाइट्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आप लोग भी देखिए कि कैसी लग रही हैं। आई होप कि आपको ये एरिया पसंद आया होगा और ये अपार्टमेंट टूर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं और शिफ्ट होने की सोच रहे हैं टू अ न्यू प्लेस इन दुबई, और जो लोग यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट होने के लिए किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं इस प्लेस को। और बहुत आजकल ये इमर्जिंग प्लेस है और बहुत अच्छी प्लेस है आई विल से। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने भी 1 BHK अपार्टमेंट की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।